अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद रूज। में आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है हंटर बीफ की रेसिपी। हंटर बीफ ये सैंडविच, रोल्स में और टी टाइम स्नैक्स के तौर पे यूज़ होता है। ये सॉल्टेड ड्राइड बीफ होता है जिसको मैरिनेट करके इसको कुक करते हैं। मैंने इसको तकरीबन 2 दिन में रेडी किया है बिना सॉल्टपीटर यानी कलमी शोरे के बगैर। और सच बताऊँ, आप इसको 7 दिन के लिए रखें या 2 दिन के लिए, टेस्ट सेम ही आता है। चले आए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। मेरे पास तकरीबन 2 किलो बोनलेस बीफ था। सबसे पहले इसे अच्छी तरह से वॉश करके मैंने इसको एक बाउल में रख दिया। फिर इसे थ्रेड से बांधा। आप चाहे तो आप इसमें व्हाइट वाली डोरी भी यूज कर सकते हैं। फिर इसे प्रिक किया और इसके बाद मैंने इसमें सॉल्ट 2 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, शुगर 1 टीस्पून, बास लोग इसमें ब्राउन शुगर भी यूज़ करते हैं। फिर मैंने इसके लिए एक पेस्ट बनाया जिसके लिए मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून और 2 हरी मिर्चों को मैंने मिक्स करके एक पेस्ट तैयार कर लिया। फिर इसमें वाइट विनीगर 1 कप, पानी 1.5 कप, सोया सॉस 2 टेबल स्पून, इन सब चीज़ों को डालकर मैरिनेट करके इसे कवर करके फ्रिज में रख दिया। इसके बाद मैंने इसे 6 घंटे बाद निकाला, दोबारा प्रिक किया। फिर इसे 20 से 22 घंटे के लिए फ्रिज में कवर करके रख दिया। अब मैंने इसे निकालकर एक कढ़ाई में इसको रखा और इसका जो रिमेनिंग वाटर था वो भी डालकर और इसमें एक दालचीनी की एक स्टिक डालकर लो मीडियम फ्लेम पे कुक होने के लिए रख दिया। तकरीबन 2 घंटे के लिए कुक किया जब तक इसका सारा पानी ड्राई ना हो जाए। फिर इसे ठंडा होने दिया। फिर जितना मुझे इसको यूज़ करना था मैंने इसके स्लाइसेस करके इसको फ्राई किया। और आप चाहें तो आप इसे बेक कर लें या 1 टेबल स्पून ऑयल के साथ फ्राई कर लें। कुछ मैंने इसके बर्गर्स बनाए और कुछ के मैंने सैंडविच बनाए। सिंपल मैंने बंस को सेक कर इसके ऊपर मायनीज और केचप लगाई, फिर ऊपर से अनियंस के रिंग रखे, फिर फ्राई किया हुआ हंटर बीफ के पीसेस रखे और दूसरे बंस से कवर करके बर्गर्स रेडी कर लिए। और जो रिमेनिंग हंटर बीफ बचा इसे बटर पेपर लगाकर फ्रिज में 3 से 4 दिन के लिए रख सकते हैं। फिर मैंने इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल किया और लेमन के स्लाइसेस के साथ सर्व किया। आप इसके बर्गर्स बनाएं, बच्चों को लंच बॉक्स के लिए दें और टी टाइम में भी यूज़ करें। हंटर बीफ बहुत ही मज़े का बना था। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।